क्या सेक्स चेंज ऑपरेशन कराना चाहिए? क्या हम एक सेक्स चेंज ऑपरेशन करा सकते हैं? कौन से डॉक्टर हेल्प करेंगे? कितनी सर्जरी है? कितना बड़ा खर्चा है? क्यों करना चाहिए? और हम कब डिसाइड करें दैट इट्स द राइट टाइम टू गो फॉर अ सेक्स चेंज ऑपरेशन? हाय, आई एम डॉक्टर नेहा। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्सुअल काउंसलर हूँ। पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूंगी, सेक्स चेंज ऑपरेशन, गुड और बैड, व्हेन टू डू इट। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, मैं आपसे बात कर रही थी सेक्स चेंज ऑपरेशन की। वो लोग जो अपनी नॉर्मल बॉडी से खुश नहीं होते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो कैद हैं एक ऐसे शरीर में और लोग उन्हें जिस तरह से देखते हैं, बात करते हैं, वो उन्हें सुटेबल नहीं है, उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है खुद को खुद में महसूस करने की क्षमता, और इसलिए है सेक्स चेंज ऑपरेशन। गवर्नमेंट ने सेक्स चेंज ऑपरेशन को बिल्कुल लीगल कर दिया है और अब आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील that you have gender identification disorder, you feel that your body is not yours and you feel suffocated, you can go for it. आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या करेंगे। लेकिन बहुत बार जब लोगों को ऐसा फील होता है कि उनकी बॉडी, उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो उनकी बॉडी से मैच नहीं करती हैं, बॉडी डिसमॉर्फिया है, तब वो बाहर आने से डरते हैं, घबराते हैं, बात नहीं करते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। ऐसे में आवाज़ उठाइए, बात कीजिए, एंड everything is possible। हम डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल हैं ताकि हम आपको हेल्प कर पाएँ। अब मैं बात करूँगी इसके खर्चे और प्रोसीजर के बारे में। जैसे ही आप ये तय कर लेते हैं कि आपको सेक्स चेंज ऑपरेशन कराना है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, सबसे पहले आप एक साइकैट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। वो सबसे पहले आपकी काउंसलिंग करेगा इस चीज़ का डिसीजन लेने से पहले कि आपको सेक्स चेंज ऑपरेशन कराना है या नहीं है। वो काउंसलिंग में वो आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर सकता है ताकि वो से श्योर हो जाए कि आप ये चीज अपनी सिर्फ फीलिंग्स के लिए तो नहीं कर रहे हैं, आप 100% श्योर हैं कि ये बॉडी आपको सूटेबल नहीं है। जैसे ही वो कन्विंस हो जाता है कि साइकैट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कि आप ऑलरेडी रेडी हैं अपनी बॉडी को एक नया चेंज देने के लिए, तब आपको वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप्स ऑफ पास करेगा, या अब आप अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करा सकते हैं। दैट सर्टिफिकेट इज हाईली इम्पॉर्टेंट टू गेट योर सेक्स चेंज ऑपरेशन। उसके बाद आपके अंदर हार्मोन इम्प्लांट होने लग जाएंगे। जैसे आप मेल से फीमेल बनना चाहते हैं तो आपकी बॉडी में फीमेल हार्मोन इंजेक्ट करने शुरू कर दिए जाएंगे, जिसका ड्यूरेशन समवेयर अराउंड 30-40 डेज का रहता है। फिर अगर आप फीमेल से मेल बनना चाहते हैं तो आपके अंदर मेल हार्मोन डाले जाएंगे। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, तो साथ साथ आपकी काउंसलिंग चलती रहती है। फिर रोल आता है प्लास्टिक सर्जन का। यहाँ पर अगर आप मेल टू फीमेल ऑपरेशन कराते हैं तो 2 सर्जरीज होती हैं, और फीमेल टू मेल कराते हैं तो 3 सर्जरीज होती हैं। ये सर्जरीज पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पेशेंट, 1-2 घट सकती है, बढ़ सकती है। साथ साथ समझेंगे कि इस पूरे प्रोसीजर में 3-4 लाख का खर्चा आ सकता है। अगर आप चाहें तो एक ही डॉक्टर के अंडर ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, मेडिकल मिलकर भी ये ऑपरेशन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये ऑपरेशन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं या इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब मैं बात करूंगी कि कब डिसाइड करें कि मुझे ये ऑपरेशन कराना है। सबसे पहले समझेंगे कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऑपरेशन करा के बिल्कुल मेल की तरह या बिल्कुल फीमेल की तरह लगने लग जाऊंगा। कुछ प्रतिशत के लिए हाँ, लेकिन ये समझिए कि आपको लगता है मेरी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि इन ऑपरेशंस के फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत बार आप वो नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ अचीव नहीं कर पाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे या कंसीव कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी ऑर्गन प्लास्टिक सर्जन बना रहा है वो यूजली प्रोस्थेटिक होते हैं, क्योंकि बींग अ काउंसलर मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस वापस भी आते हैं कि मैम हमने करा लिया लेकिन अब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, या हमें कॉन्स्टेंटली हार्मोन डोज लेनी पड़ती है। हाँ, आपको कॉन्स्टेंटली हार्मोन के इंजेक्शंस लेते रहना होगा अपनी होल ऑफ द लाइफ, ताकि आप वो जो आइडेंटिटी है उसमें रहें। हाँ, आपको हेयर ग्रोथ, बियर्ड ग्रोथ टाइम से आ जाएगी और आप मेल जैसे या फीमेल जैसे दिखने लग जाएंगे। सबसे पहले तो मैं
सैल्यूट करूंगी ऐसे लोगों को जिन्होंने अभी तक फाइट किया है और सेक्स चेंज ऑपरेशन कराए हैं। बहुत मेहनत सोसाइटी से फाइट करना पड़ता है, लेकिन वो वर्थ होता है। जब आपके अंदर से आवाज आए कि मेरी बॉडी को मैं नहीं समझा पा रही हूँ, आपके पेरेंट्स को आप कन्विंस कर पा रहे हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं, तो सही समय है कि आप अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन कराएं। और अपनी लाइफ, जितनी भी हमें छोटी सी तो जिंदगी है, उसमें हम खुशी के साथ क्यों ना जिए, तो आप ये जरूर करा सकते हैं। एक दो चीजें जो मैं आपको जरूर कहूंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप अपना वोटर कार्ड बदलते हैं, आईडी कार्ड बदलते हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती हैं, लेकिन वर्थ होता है उन लोगों के लिए जो अपनी बॉडी में घुट रहे हैं, कैद हैं। LGBTQ कम्युनिटी के लिए मैंने एक वीडियो जरूर बनाया था आप सबको समझाने के लिए। कभी भी ये मत सोचिए कि आदमी का सेक्सुअल इंटरेस्ट कुछ और है या अजीब ढंग से दिखता है तो वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। वी शुड ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट द पीपल अराउंड अस, एंड इफ यू फील दैट योर बॉडी इज नॉट गोइंग थ्रू व्हाट यू आर फीलिंग फॉर अदर्स, डू गेट योर सेल्फ करेक्टेड। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर कर पाई होगी। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से और वीडियोस लेकर आ रही हूँ, आप चाहे तो मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू बुक अ सेशन विद मी इन केस ऑफ नीड, www.drnehamehta.com। सून विद अनदर वीडियो।